हाय प्यारे बच्चों, नमस्कार। ठीक है, आज का जो चैप्टर है हमारे पास, ये 8.3 करके है। ठीक है, NCERT बुक से 8.3 त्रिकोणमिति का। यहाँ पे देखिए, पहले हम कुछ बेसिक देख लेते हैं। बेसिक का मतलब आप लोग समझ रहे हैं। आप लोगों को बेसिक का मतलब ये होता है कि जब आप लोग इस चैप्टर को पढ़ रहे हैं, आपको इतना कम से कम आना चाहिए। ठीक है, बेसिक का मतलब ये होगा। ठीक है, सबसे पहली चीज, साइन 90 माइनस थीटा क्या होगा, कॉस थीटा। ये फार्मूला लिखा है, 1 2 3 4 5 6, ये 6 फार्मूले आपको काम आने वाले हैं। पहली चीज, साइन 90 माइनस थीटा क्या होगा, कॉस थीटा। कॉस 90 माइनस थीटा क्या होगा, साइन थीटा। टेन 90 माइनस थीटा, कॉट थीटा। ऐसे सेम 6 चीज होगी। ठीक है, आगे हम लोग थोड़ा सा देख लेते हैं। अगर हम ये कह दें, ये मान लीजिए ये पहला सवाल लिखा, ठीक है, साइन 18 अंश बटे में क्या दिया है, कॉस 72 अंश। कॉस 72 अंश, ये दो चीजें होंगी। ठीक है, इसमें एक अंश है और एक हर है। ठीक है, ये देखिए 90 से कितना यहाँ, क्योंकि देखिए ये जो हमारे पास फार्मूला है, ये 90 माइनस करके है। ठीक है, अगर साइन 90 माइनस थीटा होगा तो ये क्या होगा, कॉस थीटा। यानी कि एक चीज पकड़ने की कोशिश कीजिए आप लोग, अगर हम साइन 90 माइनस थीटा लिखें तो यहाँ पे क्या आ रहा है, कॉस थीटा। यानी कि साइन का जो परिवर्तन हो रहा है वो कॉस में हो रहा है, लेकिन किसके साथ, इस वाले थीटा के साथ। ठीक है, बाद में जो कोण बन रहा है 90 को छोड़ के, पीछे वाला जो कोण है उसमें, तो यहाँ पे क्या हुआ, साइन 90 माइनस थीटा, ये पीछे वाला कोण इसके पास गया है। ठीक है, और दूसरा चीज हम ले लेते हैं, टेन 90 माइनस वाई। अब हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, सूत्र के हिसाब से हमारा क्या होगा, टेन 90 माइनस थीटा क्या होता है, कॉट थीटा। लेकिन यहाँ पे टेन 90 माइनस वाई है तो क्या हो जाएगा, काटो। अगर यहाँ पे वाई कोण बनता है तो यहाँ पे क्या बनेगा, वाई। तीसरी चीज, कॉस 90 माइनस एक्स, फिर यहाँ पे क्या होगा, कॉस 90 माइनस थीटा क्या होता है, साइन थीटा। लेकिन यहाँ पे दिया गया है कॉस 90 माइनस एक्स, तो हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, साइन एक्स। अगर यहाँ पे एक्स आया तो कोण क्या होगा, साइन के साथ एक्स। वैसे सेम यहाँ, साइन 90 माइनस 45, तो हम इसको क्या लिखेंगे, ये क्या हो जाएगा, कॉस 45। यानी कि क्या चीज है कि यहाँ पे जो कोण बनेगा वही यहाँ पे बनेगा। ठीक है, अगर थीटा बन रहा है तो थीटा होगा, अगर वाई है तो वाई होगा, अगर यक्स है तो यक्स होगा। अब ये चीजें यहाँ पे थोड़ा मोड़ा आप दिमाग में बैठा के रखिए, हम लोग जब सवाल पे आएंगे वहां पे अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है, एक चीज बताइए, यहाँ पे हम अगर लिख देते हैं साइन 45 अंश, ये 90 से कितना कम है, जाहिर सी बात दिख रहा है कितना कम है, 90 से 45 कम है। अगर हम साइन 18 लिख देते हैं, साइन 18, तो ये 90 से कितना कम है, 72 कम है। ठीक है, 72। देखिए, अब हम थोड़ा सा जान लेते हैं जो बेसिक में क्या है। बेसिक में हमको बस इतना ध्यान देना है, ये चीज हो गई, फार्मूले हो गए, ये 6 आपको याद करना पड़ेगा, साइन का कॉस, कॉस का साइन, टेन का कॉट, कॉट का टेन, सेक का कॉस, सेक का कॉस, सेक का सेक, ये होगा। दूसरी चीज, जो यहाँ पे कोण बनेगा वही कोण इसके साथ में आएगा, जैसे फार्मूले में 90 माइनस थीटा है तो साइन के साथ थीटा आया, मतलब ये पीछे वाला, वैसे यहाँ पे जो भी कोण बनेगा वही क्या जाएगा, इसके साथ जाएगा। ठीक है, जो कोण बनेगा वही उसके साथ जाएगा। अब जैसे हम यहाँ पे पहला सवाल पे आते हैं, ठीक है, ये हम समझाने के लिए ले रहे हैं। पहले सवाल में क्या है, देखिए, जब इस तरीके का सवाल हो तो आप लोगों को ध्यान देना है कि केवल या तो एक और दो चीज दिया है ना, यहाँ पे एक ऊपर वाला हो गया, एक नीचे वाला, दो चीज हो गया, इनमें से केवल आपको एक बदलना है। ठीक है, इनमें से केवल आपको एक बदलना है। अगर चार हो गया तो, अगर मान लीजिए चार हो गया तो कितना बदलना है, केवल दो बदलना है, और दो अपने आप को उसी में एडजस्ट करेगा। ठीक है, अगर एक दो हुआ है तो इसमें से केवल हम एक बदलेंगे, मतलब उसी का आधा। अगर 1 2 3 4 हुआ है तो उसमें का आधा, मतलब हम दो बदलेंगे। अभी सवाल जब आगे बड़ा मिलेगा तो हम उसमें समझ लेंगे इसको।
सबसे पहले इसमें दिया गया दो चीजें, ऊपर क्या है साइन 18, नीचे क्या है कॉस 72। इसमें हम देखेंगे दो मिला केवल एक चेंज करो, ठीक है। जैसे साइन 18 है तो मान लीजिए हम ऊपर का चेंज कर देते हैं, साइन 90 माइनस कितना हम कर देते हैं 72, और नीचे क्या होगा कॉस 72, ठीक है। आप लोग एक चीज ध्यान दीजिए, यहाँ पे केवल हम एक बदलेंगे, अगर दो दिया है तो एक बदलेंगे, ठीक है। तो ऊपर वाले को बदल दिए साइन 90 माइनस 72, अगर हम 90 में से 72 घटाएंगे कितना आएगा 18। इसको अगर देखा जाए इसको हम पूरी को क्या लिख सकते हैं साइन 18, सेम वही चीज है, समझ पा रहे हैं आप। साइन 18 90 माइनस 72, 90 से 90 में से कितना हम घटाएंगे कि 18 आएगा, 72 घटा रहे हैं, और सेम वही चीज क्या दिया है नीचे दिया, तो ये क्या हो जाएगा साइन 90 माइनस 72, साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है कॉस थीटा, यानी कि अगर यहाँ थीटा लगा है तो कॉस के साथ थीटा लगाया है, यहाँ हमको अगर 72 मिल रहा है तो हम कॉस के साथ क्या लिखेंगे 72, ये हो गया ऊपर वाला, नीचे वाला क्या होगा कॉस 72, ये चीज इससे कैंसिल होकर आएगी कितना 1, ठीक है। एक बार फिर से समझिए, आपके हम दूसरा कोई उदाहरण लेते हैं, ठीक है। देखिए हो सकता है, मैं सोच रहा हूँ थोड़ा जल्दी हमने कर दिया थोड़ा सा बताने में, आप लोग एक चीज ध्यान दीजिए, अगर यहाँ पे साइन 90 माइनस क्या हुआ थीटा, तो क्या होता है कॉस थीटा, इतना तो ये फार्मूले में दिया है, और दूसरा क्या होगा मान लीजिए साइन 90 माइनस एक्स, तो कॉस के साथ क्या होगा कॉस एक्स, ठीक है। अगर दिया है साइन 90 माइनस वाई, तो यहाँ पे y कोण बन रहा है, तो इसका फार्मूले के हिसाब से क्या हो जाएगा cos y, sin का तो cos में बदलेगा लेकिन जो यहाँ पे कोण बनेगा वही कोण यहाँ पे जाएगा, वैसे यहाँ पे अगर यहाँ पे थीटा कोण बना है तो cos के साथ क्या आया थीटा, अगर यहाँ पे x बना तो इसके साथ क्या आएगा x, अगर इसके साथ y बना तो इसके साथ क्या आएगा y आएगा। मान लीजिए sin 90 माइनस 30, तो हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं 90 में से 30, ठीक है, या तो इसको लिख दीजिए आप साइन 60, ठीक है, या तो आप इसको लिख दीजिए क्या 90 में से 30 घटाए कितना है 60, या तो आप अगर इस फार्मूले के हिसाब से गए तो साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है कॉस थीटा, यानी कि यहाँ पे जो कोण बना वो यहाँ पे गया, वैसे साइन का बदलाव किस में हो रहा है यहाँ पे कॉस में, अगर यहाँ पे थीटा नहीं है 30 है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 30, ठीक है। साइन 90 माइनस 45, ठीक है, इसका क्या हो जाएगा साइन का किस में बदलता है सूत्र के हिसाब से कॉस, और अगर 45 दिया है क्या होगा 45, यहाँ पे साइन 90 माइनस 20, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा कॉस 20, ये रिलेशन आपको समझना है, ठीक है। जो कोण यहाँ पे होगा वही कोण क्या होगा फार्मूले के हिसाब से जुड़ेगा, अगर थीटा है तो थीटा हम लिख रहे हैं फार्मूले में, अगर सवाल में कुछ और मिला तो हम कुछ और लिखेंगे, ठीक है। जैसे हम एक उदाहरण ले लेते हैं, और काट 25 अंश, ये मान लीजिए आपको सवाल दे दिया। अब आप लोग यहां पे देखिए, दूसरी चीज हम यहां पे और समझ लेते हैं, यदि कुछ कंडीशन हम ले लेते हैं, हालांकि ये बार बार सही नहीं होगा, आपको कुछ दिमाग भी लगाना पड़ेगा। देखिए कंडीशन में क्या है, अगर यहां पे दो चीजें दी, जैसे एक टेन दे दिया एक काट दे दिया, ठीक है, तो इनमें से जैसे दो हो गया तो इसका आधा कितना होगा एक, यानी कि दोनों में से कोई एक बदलना है, या तो आप ऊपर वाला बदल दो या फिर नीचे वाला बदल दो, ठीक है। अगर चार दिया है तो चार में क्या करना है आपको दो बदलना है, ठीक है, दो बदलना है, दो किसी को भी बदल सकते हो एक साइड में लेके, है ना। अगर मान लीजिए आपको छह दिया है तब कितना बदलना पड़ेगा, तब तीन बदलना पड़ेगा, जैसे इस वाले सवाल में हमारे पास कितना है दो है, तो हम एक बदलेंगे चाहे ऊपर वाला चाहे नीचे वाला, इस लाइन में हम ऊपर वाला बदलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा टेन
90 माइनस 90 में से कितना घटाएंगे 65 आ जाएगा, कितना घटाएंगे 65 आ जाएगा, कुछ चीजें छिपी रहती यही 25 घटा दोगे तो 65 आ जाएगा, ठीक है। यानी कि अगर ऊपर वाला बदल रहे हो तो नीचे वाला आपको यहाँ पे फिक्स कर देना चाहिए मेरी सर, लेकिन थोड़ा सा दिमाग लगा के यार, अगर हम ऊपर वाला बदल रहे हैं 90 में से अगर हम कितना घटाएं कि 65 आ जाए, 25 घटाना पड़ेगा, तो 90 माइनस कितना होगा यहाँ पे 25 बटे में, हमको केवल एक ही बदलना था, दो में से केवल एक, तो काट 25 ये नीचे ऐसे हो जाएगा, ठीक है। तीसरी लाइन में टेन 90 माइनस थीटा क्या होता है, काट थीटा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा काट 25 और काट नीचे भी क्या हो जाएगा 25, ये कैंसिल होके आएगा कितना 1। ये तो हुआ जब हम ऊपर बदल रहे हैं, जब हम नीचे बदल रहे हैं फिर क्या होगा, ठीक है। मान लीजिए हम नीचे वाला बदल रहे हैं फिर क्या होगा, जैसे हम ऊपर वाला वैसे लिखेंगे टेन 65 नीचे में क्या है काट 25, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं काट 90 माइनस कितना 65, यही ऊपर वाला। देखिए जब आप लोग बदलने की कोशिश करेंगे ना, जैसे दो दिया है तो ऊपर वाले में जब 90 माइनस करेंगे आप इस वाले को माइनस कर देंगे इतना है, क्योंकि सवाल ही वैसा डिजाइन किया जाता है कि कैंसिल होके एक आना चाहिए, नहीं तो सवाल गलत होगा, ठीक है, कुछ और आएगा। तो सवाल वैसे ही डिजाइन किया जाता है कि ऊपर वाले से नीचे वाला बाद में फार्मूला रखने पर कुछ मेल करे, ठीक है। यहाँ पे जैसे हम नीचे वाली बदलने की कोशिश करें तो ऊपर वाला वैसे रहने दीजिए टेन 65, अब काट 90 माइनस थीटा क्या होता है फार्मूले में टेन थीटा, यानी कि काट 90 माइनस अगर यहाँ पे थीटा दिया तो ये बदल के क्या होता है टेन थीटा, वैसे यहाँ से काट 90 माइनस 65 तो यहाँ पे क्या हो जाएगा टेन 65, यहाँ पे अगर थीटा दिया था तो यहाँ पे थीटा आया है, यहाँ पे अगर 65 दिया है तो यहाँ पे क्या आया है 65, ये चीज कैंसिल होके आई कितना 1, यहाँ भी 1 और यहाँ भी। आई बात समझ में, दो दिया है एक बदलना है, चार दिया है दो बदलना है, छह दिया है तो तीन बदलना है। मान लीजिए किसी कंडीशन में तीन दे दिया फिर क्या बदलना होगा, अभी सवाल में हम लोग उसको देखेंगे, ठीक है। चलिए पहला सवाल, एनसीईआरटी बुक से जो पहला सवाल है हमारा, आवाज आ रही सभी को बराबर एकदम, आवाज आ रही सभी को बराबर एकदम, ठीक है। चलिए हम लोग पहला सवाल करते हैं, ठीक है, एनसीईआरटी बुक का पहला सवाल। पहले सवाल का जो पहला खंड है दिया है साइन 18 अंश, अंश में है और बटे में कॉस 72 अंश, साइन 18 अंश बटे में क्या दिया है कॉस 72 अंश। अब जब इसको हम लोग हल करेंगे ना, ये बहुत छोटा सवाल है, ठीक है, आपको बेसिक समझ में आया, ये फार्मूले याद होना चाहिए, साइन 90 माइनस थीटा कॉस 90 माइनस थीटा साइन थीटा, अगर यहाँ पे थीटा है तो यहाँ पे थीटा आएगा, यहाँ पे 35 है तो यहाँ पे 35 आएगा, यहाँ पे 40 है तो यहाँ पे 40 आएगा, ठीक। उसी के हिसाब से बच्चों, जैसे ये सवाल जो हमको दिया है इसमें हम क्या कर सकते हैं, पहली चीज दो दिया है, ठीक है, इसमें से केवल कितना बदलना है, केवल एक बदलना है, और आएगा आंसर कितना आप लोग जब ऐसे दिया होगा आप लोग देख के बता देंगे, 72 में 18 जोड़ेंगे कितना होगा 90, तो इसका मान कितना है 1। जैसे मान लीजिए यहाँ पे दिया है साइन 18 अंश बटे में क्या है कॉस 72, इसको हम आगे क्या कर सकते हैं, केवल एक चेंज करना है, ठीक है, या तो ऊपर वाले को या फिर नीचे वाले को। तो मान लीजिए हम ऊपर वाले को चेंज करते हैं, ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा साइन 90 माइनस, यही चीज जो है साइन 90 में से हम कितना घटाएंगे 18 आएगा,
72, ये नीचे हल्का फुल्का दिया रहता है कि उसके हिसाब से कैंसिल होकर कितना आएगा, 1 आएगा। तो यहीं से 90 में से हम कितना घटाएं, 72, ठीक है। 90 में से अगर हम 72 को माइनस कर देते हैं तो कितना आ जाएगा, 18। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, इस फार्मूले का यूज करेंगे। नीचे क्या है, cos 72, ठीक है। अब साइन 90, साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है, यहाँ से साइन 90 माइनस थीटा क्या होगा, cos थीटा। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं cos, वहां पे अगर थीटा था तो कास के साथ थीटा में आया है, यहाँ अगर 72 है तो कास में क्या आएगा, 72। और नीचे क्या दिया है, कास 72, ये दोनों कैंसिल होके आएगा कितना हमारे पास, 1। यही हो गया आपका फाइनल उत्तर। देखिए हुआ क्या है, इस सवाल में ये सवाल दिया था इतना, इसको हमने यहाँ पे हल करने के लिए थोड़ा प्रोसेस में आगे बढ़ा है, ठीक है। यहाँ पे सबसे पहले ये देखिए, यहाँ पे दो चीज दिया है, आपको केवल एक चेंज करना है, या तो आप ऊपर वाले को चेंज कर लो या तो आप नीचे वाले को। जैसे मान लीजिए इसमें हमने ऊपर वाला चेंज करने की कोशिश की, तो यहाँ से साइन 90 माइनस कितना लिखना चाहिए, 72, और 90 में से अगर हम 72 घटाएंगे कितना आएगा, 18। यही चीज ध्यान देना है कि यहाँ पे जो चीज हम लिख रहे हैं वो यहाँ पे सिद्ध होना चाहिए। 90 में से अगर हम 72 घटाएं कितना आया, 18। लेकिन इसको यहाँ पे नहीं, इसको ऐसे ही डिजाइन में लिखना है ताकि इस फार्मूले का उपयोग हो सके। यहाँ पे 90 माइनस करके होना चाहिए, यहाँ पे वही हो रहा है, साइन 90 माइनस थीटा क्या हो जाएगा, कॉस थीटा, और नीचे क्या है जो कॉस में दिया है। तो यहाँ पे 90 माइनस 72 है तो कॉस 72 बटे कॉस 72 कैंसिल होके कितना है, 1, ठीक है। ये पहला सवाल था। दूसरा सवाल हम देखेंगे, tan 26 अंश और पार्ट, ठीक है। ये सवाल दिया, देखिए दो दिया है, आप लोग सबसे पहले हल करने के लिए यहाँ पे लिखेंगे tan 26 अंश बटे में क्या है, cot 64 अंश। देखिए क्या करना है, केवल दो दिया है ना, अंश और हर में दो चीजें दिख रही हैं, एक tan है एक cot है, केवल एक बदलना है, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, tan 90 माइनस कितना करेंगे, tan 90 माइनस यहाँ पे 26 है, 90 में से कितना घटाएंगे कि 26 आएगा। थोड़ा मोड़ा हिंट ले लीजिए, यहाँ पे 64 दिया ना, तो ये 64 यहाँ पे लिख दीजिए, लेकिन आपको देखना पड़ेगा कि 90 में से 64 घटाएंगे सच में 26 आ रहा है, तब तो बात सही है, ठीक ठीक है। तो tan 90 माइनस कितना हम कर देंगे, 64, ठीक है, बटे में क्या है, cot 64। दूसरी लाइन में tan 90 माइनस थीटा क्या होता है, cot थीटा होता है, यानी कि यहाँ थीटा आया तो यहाँ पे थीटा आया है, यहाँ पे 64 है तो यहाँ पे cot के साथ क्या आएगा, 64। tan 90 माइनस 64 क्या हो जाएगा, cot 64 बटे में क्या हो गया, cot 64। ये चीज कैंसिल होके आएगी कितना, 1, ठीक है। दो सवाल हो गया, तीसरा सवाल आप लोग अगर स्क्रीनशॉट लेना चाहे तो ले लीजिए, ठीक है, वैसे ये तो बहुत इजी है। आगे चलते हैं, तीसरा सवाल, कास 48 अंश दिया है माइनस में साइन 42 अंश, देखिए कैसे, कास 48 अंश माइनस में क्या है, साइन 42 अंश, ये चीज दिया है, ठीक। अब यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, कास 48 अंश माइनस कितना, साइन 42 अंश, दो चीज दिया है, अब दोनों में से कोई एक चेंज करना है हमको, ठीक है, चाहे आप ये वाला चेंज कर दो चाहे आप ये वाला चेंज कर दो, ठीक है। एक और दो हुआ, एक कास है एक साइन है, तो दोनों में से केवल एक, ठीक है। अगर दो दिया है तो एक, चार दिया है तो दो, छह दिया है तो तीन, किसी कारण मान लीजिए तीन दे दिया है तब कितना चेंज करोगे, वो जब सवाल मिलेगा तब वहां पे हम बताएंगे आपको, और वहां पे आप समझ लेना, ठीक है। यहाँ पे क्या हुआ, मान लीजिए हम आगे वाले को चेंज करते हैं, ठीक है,
यहाँ पे क्या है कॉस, इसको क्या लिख सकते हैं 90 माइनस कितना 42 है यहाँ, ठीक है। अब 90 में से अगर आप 42 घटाएंगे तो कितना आएगा 48। इस तरीके के जो सवाल एग्जाम में बहुत पूछे जाते हैं, आज तो मैं किताब से करा रहा हूँ, ठीक है, कल मैं कराऊंगा अनसॉल्व पेपर से, ठीक है, कल देखना कितना सवाल होगा, ठीक है। यहाँ भी क्या हुआ कास 90 माइनस 42, और 90 में से 42 घटाएंगे तो 48 आ रहा है, समझ में आ रहा है, ठीक है। देखिए ये 42 हमको मिल कहाँ से था, मैं कितना जल्दी कैलकुलेशन, इतना कैलकुलेशन तो मेरा तेज है नहीं, कैसे मिल रहा है यहीं से। अगर आप कास यहाँ पे 48 लिखा पहले वाले को चेंज कर दे हैं तो दूसरा वाला मैक्सिमम टाइम पे यहाँ पे आता है, 90 में से अगर मान लीजिए 42 घटाते हैं तो कितना आ रहा है 48, मतलब ये वाली चीज क्या है सही। दो में से हम एक को सूत्र के हिसाब से डिजाइन करेंगे और पीछे वाले को वैसे छोड़ेंगे, ठीक है। यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं साइन 42 अंश, तीसरी लाइन में कॉस 90 माइनस थीटा, कॉस 90 माइनस थीटा क्या होता है साइन थीटा, यहाँ पे थीटा है तो यहाँ पे थीटा आया है साइन के साथ, लेकिन यहाँ पे 42 है तो यहाँ पे साइन के साथ क्या आएगा 42। कॉस 90 माइनस थीटा क्या होता है साइन थीटा, तो कॉस 90 माइनस यहाँ पे क्या हो जाएगा साइन 42 अंश, माइनस में क्या है साइन 42। अब सेम चीज वही है तो एक प्लस से ये माइनस क्या हो गया कैंसिल, आएगा कितना 0, ठीक है। आई बात समझ में, देखिए इस तरीके के जो सवाल है, ठीक है, एक दो नंबर के आएंगे, लेकिन जैसे जैसे हम मान लीजिए तीसरा चैप्टर है, कई चैप्टर है ना त्रिकोणमिति में, जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे सवाल का लेवल जो है वो हार्ड होगा। पहले से जो मैं आज के पहले 4-5 क्लास कर चुका हूँ उसमें से आप लोग देखेंगे ये कुछ हार्ड है, यहाँ पे आपको दिमाग लगाना पड़ेगा कितना घटाएंगे और इन फार्मूलों का यूज करना पड़ेगा, ठीक। ये हो गया, आगे चलते हैं। कासिक 31 अंश माइनस सिक 59 अंश, सही है। ये सवाल दिया, इसको हल करना है हमको, ठीक है, इन सब सूत्र का प्रयोग करके। क्यों हम इन सब सूत्रों का प्रयोग करें, क्योंकि ये 59 ये 31 इसका मान हमको पता नहीं है, अभी 45 लिखा होता कास 45 है तो उसको हम लिख लेते, कास 90 दिया होता उसको लिख लेते, कास 30 दिया होता उसको ले लेते, लेकिन हम यहाँ पे क्या दिया 31 दिया, तो इसको हमको बदल के लगाना पड़ेगा। सबसे पहले सवाल को हम ऐसे लिखेंगे, ठीक है, इतना हो गया। अब दो दिया है केवल एक बदल दो किसी को, हम मान लीजिए पहला वाला बदल रहे हैं, ठीक है, यहाँ पे क्या लिख सकते हैं कॉसेक 90 माइनस कितना 59, 90 में से अगर 59 हम घटाते हैं तो कितना आएगा 31, ठीक है, माइनस सेक कितना हो जाएगा 59 अंश। अब कॉसेक 90 माइनस थीटा क्या होता है सेक थीटा, अगर वहां पे थीटा है तो सेक के साथ में थीटा लगा, यहाँ पे 59 है तो यहाँ पे सेक के साथ क्या लगेगा 59 अंश, ठीक है, माइनस में क्या है सेक 59, ये चीज इससे कैंसिल होके आएगा कितना 0। आ रही बात समझ में, ठीक है। अब इसके बाद देखिए इतना हो गया, आगे चलते हैं, ठीक है। बहुत ज्यादा समय हम लोग इनमें नहीं लेंगे, ठीक है, ये सब सवाल बहुत इजी है, आप लोग ये बदलना सीख जाओ, ठीक है। जो शुरुआत में लगभग 5-6 मिनट चला था जिसमें हमने बेसिक कॉन्सेप्ट की बात की थी, वहां पे आप लोग थोड़ा सा एक दो बार देख लेना इस वीडियो को, वहां पे सबको समझ में आ जाएगा बदलना कैसे है। अगर दो दिया है तो केवल एक बदलेंगे, चार दिया है तो दो बदलेंगे, अगर मान लीजिए तीन दिया है जब सवाल मिलेगा तब बताएंगे, ठीक है, ऐसे। अब आ जाते हैं दूसरे सवाल पे, दूसरे सवाल का जो पहला खंड है tan 48 अंश tan 23 अंश tan 42 अंश tan 67 अंश,
बराबर में एक ये सिद्ध करना है। ठीक है, यहाँ पे कितना दिया है, चार चार दिया है, बदलना कितना पड़ेगा इस हिसाब से, उसका आधा यानी कि दो। यहाँ पे एक चीज आप लोग दिमाग लगाइए, कौन कौन सी वैल्यू जोड़ेंगे हैं, यहाँ पे सभी का टेन दिया है तो कोई भी उठा के आप बदल सकते हैं, लेकिन एक चीज दिमाग लगाइए, कौन सा बदलने से आपका जो 90 डिग्री पूर्व, यहाँ पे 48 है, यहाँ पे 42, इन दोनों में देखिए, यहाँ पे सबसे पहले लिख देता हूँ मैं, ये इतना दिया है। ठीक है, हम लोग बदलेंगे क्या, ठीक है, इसमें तो चार दे दिया, उसमें तो दो दिया था, कोई भी बदल देते थे, लेकिन इसमें चार दिया है तो दिमाग लगाना होगा क्या बदलना है। सबसे पहले आप लोग बताइए, ये 48 है और ये कितना है, 42, 48 और 42 मिलके कितना होगा, 90, क्या आया यहाँ पे, 90। दूसरी चीज, यहाँ पे 67, यहाँ पे 23, ये दोनों जोड़ के कितना आएगा, 90। ठीक, अगर आप इनमें से कोई आप एक बदल दोगे तो सवाल फंस जाएगा, आएगा भी नहीं। सबसे पहले ये जब चार दिया है ना, आप लोग देखो कि कौन सा 90 डिग्री बना रहा है, किस किस को जोड़ के, जैसे हमने 48 और 42 को ये देख रहे हैं कितना बना रहा है, 90। 23 और 67 को देख रहे हैं तो क्या बना रहा है, 90। अब इसमें इन दोनों में आप कोई एक बदल दो, लेकिन एक को छोड़ना पड़ेगा, इन दोनों में आप कोई एक को बदल दो, लेकिन एक को क्या करना पड़ेगा, छोड़ना पड़ेगा। जैसे यहाँ से 90 हुआ, इन दोनों में से आप कोई चाहे ये बदल दो चाहे ये बदल दो, एक तो बचेगा ही, इसमें और इसमें 90 डिग्री बना रहा, आप चाहे इसको बदल दो चाहे इसको बदल दो, एक तो बदलना पड़ेगा और एक को छोड़ना पड़ेगा। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, इसको बदल देते हैं और इसको बदलते हैं, बाकी दो को छोड़ देते हैं, क्योंकि ये वाला इसमें फिट बैठेगा और ये वाला इसमें फिट बैठेगा। ठीक, एक बार मैं दोहरा देता हूँ, ठीक है, फिर से देखिए, जब चार दिया हो तो कंफ्यूजन होगा कौन सा बदले कौन सा नहीं बदले, हो सकता है आप ये और ये बदल दोगे तो सवाल आ जाएगा वैसे, ठीक है, लेकिन दिमाग रखना आप लोग ये कि जो चीज 90 डिग्री पूर्व कर रही, जैसे 48 और 42, ये दोनों मिला के कितना हो जाएगा, 90, तो दोनों में से कोई एक बदल दो, 23 और 67 मिला के कितना हो रहा है, 90, तो चाहे ये बदल दो चाहे ये बदल दो। मान लीजिए हम इसमें पहला बदल रहे हैं तो तीसरा नहीं बदलेंगे, क्योंकि 48 और 42 क्या हो रहा है, 90, तो हम यहाँ पे tan 90 माइनस कितना लिख सकते हैं, 42, अगर 90 में से 42 घटाएंगे कितना आ जाएगा, 48। अब हम इसको बदल देते हैं, 90 माइनस कितना, 67। ठीक है, 90 में से अगर हम 67 घटाएंगे कितना आएगा, 23। अब इन दोनों को छोड़ना पड़ेगा, ठीक है, 42 अंश और क्या हो गया, 67। ठीक है, अब 90 माइनस थीटा क्या होता है, काट थीटा, तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, काट 42 अंश, यहाँ पे क्या होगा, काट 67 अंश। ठीक है, यहाँ पे क्या होगा, tan 42 अंश, और यहाँ पे क्या होगा, tan 67 अंश। अब यहाँ पे हमको एक फार्मूला यूज करना पड़ेगा, आप लोगों फार्मूला लिख लो, tan थीटा बराबर क्या होता है, 1/ काट थीटा, और काट थीटा बराबर क्या होता है, 1/ tan थीटा, दो फार्मूले हो गए। यहाँ पे अगर काट 42 दिया, देखिए यहाँ पे अगर थीटा दिया है तो 1/tan करके हम थीटा लिखे, कोण पे ज्यादा फोकस करना, ठीक है, काट थीटा बराबर क्या होता है, 1/tan थीटा, यहाँ पे थीटा है तो यहाँ पे थीटा, और काट 42 को हम क्या लिख सकते हैं, 1/ अगर 42 दिया है तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, 42 गुणे काट 67, तो 1/ हम क्या लिख सकते हैं इसको, tan 67 अंश गुणे, इसको रहने दीजिए, tan 42 अंश और tan 67 अंश, किस हिसाब से, क्योंकि सिद्ध करके लाना कितना, हमको एक लाना है ना। अब देखिए ये वाली वैल्यू क्या है, इससे कैंसिल होगी और ये वाली इससे, तो एक एक नाम कितना हो गया हमारा, एक।
ठीक है, आई बात समझ में? आप लोग चाहे तो स्क्रीनशॉट ले लें इसका। ठीक है, इस तरीके के सवाल को एक बार मैं और दोहराऊंगा इसको। ठीक है, चार दिया है, कोई दो बदलना है। ठीक है, बदलना किसको है? आप इसमें 48 और 42। ठीक है, 48 42 कितना होता है? 90। कोई एक बदलना है, चाहे ये वाला चाहे ये वाला। 10 23 और 10 67। 23 और 67 कितना होता है? 90। चाहे ये बदलो चाहे ये बदलो। जब आप बदलने लगेंगे ना, इससे ये होगा, एक आइडिया मिल जाएगा। जैसे हमने अभी देखा था कि ऊपर वाला जो हम बदल रहे थे इसके पिछले सवाल में, तो अगर ऊपर वाला बदल रहे तो नीचे वाला जाके ऊपर फिक्स बैठता था। वैसे ही आप देखो, यहाँ अगर आप 48 को बदल रहे हो तो ये 42 यहाँ पे आपने लिखा है। ठीक है, क्योंकि आपने इसमें और इसमें संबंध निकाला ना, 48 और 42 कितना होगा? 90 होगा। तो इसी हिसाब से जिसे आपने यहाँ पे 67 लिया है, ठीक है, 67 कहाँ से आया? यहाँ से। आपने बदला किसको है? इसको बदला है। ठीक है, इससे एक आइडिया मिल जाएगा। अगर हम 23 लेते हैं तो इसके साथ क्या आएगा? 67। अगर हम ये लेते हैं 48 लेते हैं तो इसके साथ में क्या आएगा? 42। क्योंकि ये और ये क्या बना रहा है? 90 डिग्री। और ये क्या बना रहा है? 90। चार दिया है, कोई दो बदलो और दो को ऐसे रहने। ठीक है, अब आगे सवाल देखते हैं। यहाँ पे आपने फार्मूला देख लिया, फार्मूला जो हम लिख दिए हैं उसको आप भी नोट कर लीजिए। ठीक है, अब आगे चलते हैं। ये सवाल मजेदार है। काश 29 काश 52। -38 -38 अंश और -52 अंश बराबर 0। ये सवाल दिया, एक बार देख लीजिए सवाल से। ये काश 38 काश 42 sin 38 sorry 52 52 सही। ठीक है, इसको जब हल करेंगे हम तो यहाँ पे क्या होगा? काश 38 अंश और काश 52 अंश -sin 38 अंश इंटू क्या हो जाएगा? sin 52 अंश बराबर क्या है? 0 हमको लाना है। ठीक है, यहाँ पे एक चीज बताइए, यहाँ पे चार दिया है। ठीक है, चार दिया है, बदलना किसको है? केवल दो को। ठीक है, आप लोग चाहे तो इसमें से एक बदल दो और इसमें से एक बदल दो, नहीं तो हम क्या करते हैं ना, ये आगे वाला दोनों बदल देते हैं, ये माइनस होके आ जाएगा 0। ठीक है, जैसे यहाँ पे हम देखते हैं तो क्या दिया है? cos 90 माइनस। अब 90 में से कितना घटाएं कि 38 आ जाए? तो हम कितना घटाएंगे? 52। काश 90 में से हम कितना घटाएं कि 38 आ जाए? 52 घटाना पड़ेगा। फिर दूसरा क्या है? काश 90 में से हम कितना घटाएं कि 52 आ जाए? देखिए हुआ क्या है, ये भी मैं लिख देता हूँ, माइनस। हुआ क्या यहाँ पे? काश 90 माइनस 90 में से 52 घटाएंगे कितना आएगा? 38। ये चीज आपको देखना है, 90 में से 38 घटाएंगे कितना आएगा? 52। तो ये पीछे वाला हम ऐसे रहने देते हैं। ठीक है, तो काश 90 माइनस थीटा क्या होता है? साइन थीटा। और काश 90 माइनस थीटा क्या होगा? साइन थीटा। माइनस ये जो दिया है यही हम लिखेंगे। अभी देखिए सेम वैल्यू इधर भी है, सेम वैल्यू इधर भी। साइन 52 साइन 38 साइन 38, ये आगे वाली चीज इससे क्या हो गई? पेंसिल। तो क्या हो जाएगा? 0, वही जो हमको लगता था। ठीक है, समझ में आई बात? ऐसा भी यार, अगर आप लोग इसमें से केवल एक चेंज करते
इसमें से केवल एक चेंज करते फिर भी कैंसिल होके आता कितना, जीरो ही आता। ठीक है, इस सवाल को कई तरीके से किया जा सकता है। ठीक है, आई बात समझ में? देखिए बच्चों, 2 दिन क्लास नहीं हो पाई थी, थोड़ा समझ सकते हैं आप लोग। ठीक है, लेकिन आज से डेली क्लास चलेगी। ठीक है, 8:30 बजे सवाल हो गया ये। चलिए आगे चलते हैं। यदि tan 2a बराबर cot a माइनस 18 अंश, तो a का मान बताइए। ठीक है, ये सवाल हमको दिया है। ठीक है, ये सवाल दिया है, इस सवाल को हम करेंगे। देखिए इसमें एक्स्ट्रा दिमाग लगेगा आप लोगों का। ठीक है, अगर एक बार में नहीं समझ में आता, आप वीडियो को दोबारा देखिए। ठीक है, दोबारा देखेंगे तो निश्चित आपको समझ में आएगा, लेकिन एक बार में हो सकता है दिक्कत करे, क्योंकि इसमें चीजें क्या है, उधर से कुछ उठा रहा है, कुछ इधर से उठा रहा है। अगर आप दिमाग खुला रखेंगे तभी आपका सवाल हल हो पाएगा। ठीक है, जैसे आइए देखते हैं, इसको दिया क्या है, tan 2a बराबर cot a माइनस 18, तो a का मान ज्ञात कीजिए। इसमें हमको a का मान निकालना है। ठीक है, कैसे करेंगे? सबसे पहले यहाँ पे आते हैं हम लोग, tan 2a बराबर दिया क्या है cot a माइनस कितना 18। ठीक है, tan 2a बराबर cot a माइनस 18। एक चीज बताइए, cot 90 माइनस थीटा का फार्मूला क्या होता है? मतलब इसको जब बदल के आता है क्या आता है, tan थीटा। ठीक है, और अगर मान लीजिए यहाँ पे दिया है cot 90 माइनस 45 अंश, तब क्या आता है, tan 45 अंश। ठीक है, मतलब ये अगर tan 45 अंश हमको लिखना है, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, थोड़ा उल्टा चलेंगे। ठीक है, tan 45 अगर लिखना है तो हम इसको cot 90 माइनस कितना लिख सकते हैं, 45। और अगर मान लीजिए cot 90 माइनस a, तब क्या होगा, tan a, यानी कि cot 90 माइनस a क्या होता है, tan a, और tan a बराबर हम क्या लिख सकते हैं, cot 90 माइनस a। और एक चीज मान लीजिए यहाँ पे cot 90 माइनस 2a, इसको हम क्या लिख सकते हैं, tan 2a। फॉर्मूले के हिसाब से cot 90 माइनस थीटा क्या होता है, tan थीटा। cot 90 माइनस 2a बराबर क्या होगा, tan 2a। अगर हम इसको ये लिख सकते हैं तो क्या हम इसको ये नहीं लिख सकते हैं, लिख सकते हैं। ठीक है, cot 90 माइनस 2a को हम tan 2a, या tan 2a को हम क्या लिख सकते हैं, cot 90 माइनस 2a। दिमाग थोड़ा खोल के रखिए, tan 2a को हम क्या लिख सकते हैं, cot 90 माइनस 2a, क्योंकि यहाँ पे जो सवाल दिया, एक तरफ में cot दिया है, एक तरफ में tan दिया है, एक तरफ में a माइनस 18, यहाँ पे क्या दिया है, 2a। तो इसको हम कैंसिल करके तो ला नहीं पाएंगे, क्योंकि a की वैल्यू पूछ रहा है, तो इसमें थोड़ा आप लोग और सोचेंगे। ठीक है, यहाँ पे tan 2a को हम क्या लिख सकते हैं, अगर इधर काट दिया तो हम इसको काट के हिसाब से चेंज करते हैं, cot 90 माइनस कितना 2a, और cot 90 माइनस 2a बराबर होता क्या है, tan 2a। वही पहले वाली चीज मिल गई, यानी कि अगर हम इसको ये वाला लिखते हैं तो कुछ भी हर्जा नहीं है, क्योंकि हमको सवाल सॉल्व करना है, इसके हिसाब से हम इसको चेंज करेंगे। cot 90 माइनस 2a को हम क्या लिख सकते हैं, tan 2a, और tan 2a को हम क्या लिख सकते हैं, cot 90 माइनस 2a। ये बात समझ में आई, tan 2a को हम क्या लिख सकते हैं, cot 90 माइनस 2a। ठीक है, इधर क्या होगा, cot a माइनस 18। अब देखिए, इसके पिछले वाले जो चैप्टर में हमने पढ़ा था कि अगर काट और काट है बीच में बराबर लगा, तो ये कोण भी क्या होगा, बराबर होगा। ठीक है,
यहाँ पे काट, यहाँ पे बराबर, यहाँ भी काट, अगर ये चीज आपस में बराबर है, बीच में बराबर लगा है, तो ये जो इसका कोण है वो इसके बराबर माना जाता है। तो यहाँ से ये चीज बराबर है तो हम इसको क्या लिखते हैं, 90 - 2a बराबर क्या हो जाता है, a माइनस कितना, 18 अंश। ठीक है, काट काट बराबर है तो ये कोण भी इसका बराबर होगा, 90 - 2a बराबर कितना, a माइनस 18। ठीक है, अब ए वाली चीज इधर ले आओ और ये अंक वाली चीज उधर, यानी कि -2a, ये प्लस में, इधर क्या होगा माइनस में, बराबर -18 अंश, ये प्लस में है तो उधर क्या हो जाएगा, -90। ठीक है, अब -2a, -a, माइनस माइनस आपस में जुड़ जाएगा, 2a और a के मिलके कितना हो जाएगा, -3a बराबर माइनस 90 में अगर 18 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, 8, 108, 8, 9 और 1, 10। यहां से ये माइनस से माइनस क्या हो गया, कैंसिल, तब 3a बराबर क्या हो गया, 108, तब a बराबर क्या हो जाएगा, 108 बटे कितना, 3, ये गुणा कर रहा है तो इधर भाग करेगा, अब इससे आप लोग भाग कराइए, तब a बराबर ये क्या होगा, 3 * 3 = 9 और 3 * 6 = 18, यानी कि आएगा कितना, ये बराबर कितना आया, 36 अंश। आई बात समझ में? ठीक है, यहीं पे आपको थोड़ा समझना पड़ेगा कि अगर tan 2a दिया है, ठीक है, tan 2a दिया है तो यहाँ पे हम सूत्र के हिसाब से थोड़ा उल्टा चलेंगे, tan थीटा को हम क्या क्या लिख सकते हैं, काट 90 - थीटा, वैसे ही tan 2a को हम क्या लिख सकते हैं, काट 90 - 2a। अब cos 90 - 2a क्या हो जाएगा, tan 2a, वही जो पहले दिया है, तो इसी को हम रिवर्स में ये लिखे हैं। ठीक है, tan 2a को हम क्या लिखे, काटना पर क्यों लिखे हैं पहले ये सोचे, क्योंकि इधर दिया क्या काट, अगर इधर tan दिया है तो इधर भी tan देता तो हम लिखते ही नहीं, सॉल्व करते डायरेक्ट। ठीक है, लेकिन यहाँ पे tan 2a को हमने क्या लिखा है, काट 90 - 2a। ठीक है, स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए इसका। अब इसके आगे जो सवाल है कुछ इसी से मिलता जुलता है, ठीक है, देखेंगे हम लोग करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, आगे चलते हैं हम लोग। ये जो चौथा सवाल है, tan a बराबर cot b, tan a बराबर cot b, तो सिद्ध कीजिए कि a प्लस बी बराबर 90 अंश। ठीक है, tan a बराबर cot b, तो सिद्ध कीजिए a प्लस बी बराबर 90 अंश। ठीक है, आ रही बात समझ में सभी लोगों को, तो लाइक और कमेंट करते रहिए यार, कम से कम लाइक कर दीजिए, इतना देर हो गया। ठीक है, लाइक कर दीजिए सब लोग। देखिए यहाँ पे क्या है, tan a बराबर क्या है, cot बी। एक चीज ध्यान दीजिए आप, कट 90 - थीटा क्या होगा, tan थीटा, और कट 90 - a बराबर क्या होता है, tan a। सेम वही पहले वाला सवाल, इधर काट दिया है, कोशिश कीजिए ये वाला कैसे भी करके काट बने, काट बनेगा कैसे, इस वाले फार्मूले से। इधर देखिए साइन है तो ये कास बना है, चाहे आप इसको बराबर इसको लिख दो या इसके बराबर इसको लिख दो। ठीक है, वैसे यहाँ पे टैन दिया है तो ये इधर में काट मिल जाएगा, लेकिन 90 - कुछ करके लिखना पड़ेगा, अगर यहाँ पे थीटा है तो हम थीटा लिखेंगे। वैसे यहाँ पे अगर ए है, अगर हम इसको काट में चेंज कर रहे हैं, देखिए यहाँ पे टैन ए को हम क्या लिख सकते हैं, काट 90 - a,
और काट 90 माइनस एक हम टेन ए लिख सकते हैं, टेन ए को क्या लिखेंगे, काट 90 माइनस ए। क्यों लिखेंगे, क्योंकि एक तरफ काट है एक तरफ टेन है, अब इन दोनों को चेंज तो करना पड़ेगा, जब बराबर होगा तभी ए और बी में रिलेशन निकलेगा, है ना। हम इसको क्या लिख सकते हैं, काट 90 माइनस कितना ए, और ये क्या हो गया काट बी, दोनों में से कोई एक चेंज किया हमने, इसको क्या लिखा टेन ए को काट 90 माइनस ए, और काट 90 माइनस ए बराबर किसके होता है टेन, यानी कि ये भी सही है अपने स्थान पे और ये भी, दोनों क्या है आपस में बराबर। आप टेन ए को काट 90 माइनस ए भी लिख सकते हैं और काट 90 माइनस ए को क्या लिख सकते हैं टेन, जैसे यहाँ पे टेन थीटा को आप क्या लिख सकते हैं काट 90 माइनस थीटा, और काट 90 माइनस थीटा को हम क्या लिख सकते हैं टेन थीटा। तो यहाँ पे आप देखिए काट और काट बराबर हो गया, तो ये कोण भी इसके क्या होगा बराबर होगा, यानी कि 90 माइनस ए बराबर क्या होगा बी। अब ये चीज इधर आप ले जाइए पक्षांतर कर दीजिए, यानी कि 90 बराबर ये माइनस है तो उधर क्या होगा बी प्लस कितना हो गया ए। अब एक आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 90 बराबर क्या ए प्लस बी, वही जो आपको सिद्ध करने के लिए ऊपर दिया गया, ठीक है। ये जरूरत क्यों पड़ रहा है आपको, इसी के लिए, क्योंकि अगर यहाँ पे काट हो जाएगा, यहाँ भी काट दिया है, तो हम इस वाले कोण को इस कोण के क्या बराबर रख सकते हैं, इसीलिए हमको काट बनाने की जरूरत पड़ रही है, ठीक है। टेन ए बराबर क्या है काट बी, तो यहाँ पे ए बराबर बी नहीं लिख सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे टेन है यहाँ पे क्या है काट है, तो इसको हमको चेंज करना पड़ेगा। अब टेन ए को काट में कैसे चेंज कर सकते हैं, यहाँ पे टेन थीटा को हम क्या लिख सकते हैं काट 90 माइनस थीटा, वैसे यहाँ पे टेन ए को हम क्या लिख सकते हैं काट 90 माइनस ए लिख सकते हैं। तो अब ये और ये बराबर हो गया, तो इसका और इसका भी हम बराबर कर लेंगे, उसके बाद पश्चांतर करके आ जाइए, ठीक है। आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका, देखिए कोशिश कीजिएगा कि अगर ये चैप्टर नहीं समझ में आ रहा ठीक है, तो आप इस वीडियो को दोबारा देखने की कोशिश कीजिए, क्योंकि एक बार में हो सकता है कुछ दिक्कत करे। ठीक है, देखिए जो अगला सवाल है हमारा, इसमें क्या है sec 4a बराबर cosec a माइनस बी संस, तो a का मान बताइए, यानी कि हम सवाल लिख देता हूँ यहाँ पे sec 4a a बराबर cosec a माइनस बी संस, हाँ a माइनस बी संस, तो a का मान करो, ठीक है। ये सवाल है अपने पास, देखिए ठीक है, सबसे पहले हम इसको यहाँ पे लिख देते हैं पिछले वाले सवाल की जैसा है, तो हाँ बराबर क्या हो गया कॉसेक ए माइनस कितना बी सर, ठीक है। एक चीज बताइए यहाँ पे सेक थीटा को हम क्या लिख सकते हैं, ये मैं मिटा देता हूँ, ठीक है। यहाँ पे sec थीटा को हम क्या लिख सकते हैं cosec 90 माइनस थीटा, देखिए अगर sec थीटा लिखा है उसको हम क्या लिख सकते हैं cosec 90 माइनस कितना थीटा, इसके बराबर ये वाला और इसके बराबर ये वाला, तो sec थीटा को हम क्या लिख सकते हैं cosec 90 माइनस, अगर यहाँ पे थीटा है तो यहाँ पे थीटा लिखेंगे, और अगर मान लीजिए sec 45 अंश दिया है तो इसको क्या लिख सकते हैं इसके हिसाब से cosec 90 माइनस 45, ठीक है। अगर यहाँ पे sec थीटा दिया है तो यहाँ पे cosec 90 माइनस हम थीटा लिखेंगे, थीटा है तो यहाँ पे थीटा आया है सूत्र में, इसके हिसाब से जब सवाल हम करेंगे तो sec मान लीजिए अगर 45 है तो इसको हम क्या लिख सकते हैं cosec, ये तो रहेगा 90 भी रहेगा, माइनस
ये जो यहाँ पे कोण है वही कोण यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। जैसे यहाँ पे ये कोण था तो वो कोण यहाँ पे आ गया, वही 45 जो है यहाँ पे भी 45 आ जाएगा। मान लीजिए यहाँ पे सेक सेक मान लीजिए 20 अंश दिया है, इसको क्या लिख सकते हैं, सेक थीटा है तो यहाँ पे इसको ये लिख सकते हैं, थीटा है तो थीटा, तो यहाँ पे ये हो क्या हो जाएगा कॉसेक, ये तो रहेगा 90 भी रहेगा, माइनस ये अगर 20 है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 20। सेम वैसे यहाँ पे सेक 4 है तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, कॉसेक 90 माइनस कितना, अगर 4a है तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे 4a, इसके हिसाब से, ठीक है, सूत्र के हिसाब से। और इसको ऐसे रहने देंगे, इसको हमने कॉसेक में क्यों बदला, क्योंकि इधर क्या है हमारे पास कॉसेक है, अगर दोनों जब बराबर होगा तभी हम आगे सवाल को लगा पाएंगे, पूछा क्या a का मान, तभी a का मान निकलेगा, ठीक है। यहाँ पे क्या हो जाएगा, ठीक है, कॉसेक 90 माइनस 4a और ये क्या हो जाएगा कॉसेक a माइनस 20, इसको बदलने के बाद ये आया है, ठीक है। अभी देखिए कॉसेक इधर है, कॉसेक इधर है, बीच में बराबर है, तो इसका कोण भी क्या होगा आपस में बराबर होगा, 90 माइनस 4a बराबर क्या हो जाएगा a माइनस कितना 20। इसी के लिए तो हम लोग इसको बदलते हैं ताकि ये दोनों आपस में क्या हो जाए बराबर हो जाए, अगर इधर कॉसेक है तो इधर भी कॉसेक हो जाए, इसीलिए बदला जाता है, ठीक है। यहाँ पे अलग था तो हम इसको ऐसे नहीं कर सकते थे, लेकिन सेक को हम कुछ ऐसे लिख सकते हैं जो कॉसेक के हिसाब से ये वाला कॉसेक हो रहा है, ठीक है। अब इसको क्या करेंगे, 4a को हम उधर लेके जाते हैं और 20 को इधर लेके आते हैं, ठीक है, हाँ ठीक। माइनस 4a, इधर प्लस में a है तो इधर क्या हो जाएगा माइनस a बराबर, इधर क्या है माइनस 20, ये तो पहले है, ये 90 वाला जब उस साइड में जाएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस इधर है तो इधर क्या हो जाएगा माइनस 90। 4a और a दोनों चिन्ह माइनस में है तो क्या होगा 5a बराबर, 90 में 20 अगर जोड़ेंगे माइनस कितना हो जाएगा 110, ये माइनस से माइनस क्या हो जाएगा कैंसिल, यानी कि 5a बराबर कितना हो गया 110, a बराबर 110 बटे कितना 5, इसको जब हम काटेंगे तब a बराबर 5 दुनिया 10, 5 दुनिया 10 यानी कि क्या आ जाएगा 22 अंश। आई बात समझ में, ठीक है। इसके बाद एनसीईआरटी की किताब से दो सवाल और बचा, ठीक है, ये एनसीईआरटी वाला हम खत्म करके उसके बाद हम विद्या पे आ जाते हैं, विद्या में चार पांच क्वेश्चन एक्स्ट्रा है उसको भी देख लेंगे, ठीक है। ये हो गया इतना, ये बराबर कितना है 22 अंश, इसको हम क्यों बदल रहे बात समझ में आई, सेक है कॉसेक है तो यहाँ से संबंध नहीं निकल रहा, तो हम सेक को फार्मूले के हिसाब से सेक थीटा दिया है तो उसको कॉसेक 90 माइनस थीटा लिख सकते हैं, वैसे यहाँ पे सेक 4a दिया तो उसको हम क्या लिख सकते हैं कॉसेक 90 माइनस 4a, कॉसेक ये वाला वैसे रहने दीजिए, कॉसेक कॉसेक अगर बराबर है तो इसका कोण भी क्या होगा बराबर होगा, तो हम ये बराबर इतना कर दिए, ये चीज आप शानदार करके हल हो, ठीक है। स्क्रीन शॉट ले लीजिए आप लोग, ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, आ रही बात समझ में, ठीक है। अगर नहीं आएगी तो आप लोग कमेंट करना, मैं कमेंट भी देख रहा हूँ बराबर, ठीक है। देखिए इसके बाद जो सवाल है, यदि ए बी और सी त्रिभुज ए बी सी के अंतः कोण हो तो दिखाइए कि साइन बी प्लस सी बाई टू बराबर कॉस ए बाई टू। एक काम कीजिए आप लोग, जब ये सवाल पढ़ रहे हो आप लोग ना, अब तो शायद टाइम निकल गया है, अभी दो चार सवाल के बाद ये चैप्टर खत्म हो जाएगा, लेकिन कभी भी जब मैं चैप्टर चालू करूँ तो जैसे मान लीजिए जब हम किताब से पढ़ा रहे हैं, मान लीजिए अनसॉल्व से आज तो नहीं हो पाएगा अनसॉल्व, कल हम अनसॉल्व देखेंगे, इस टाइप का जितना सवाल आएगा, ठीक है, जो आज हम पढ़ रहे हैं इस फार्मूले पे या इस चैप्टर के हिसाब से इस टाइप का जितना भी सवाल अनसॉल्व में 10 सालों में दिया होगा कल वो तो हम लगाएंगे, ठीक है। लेकिन जब हम ये चैप्टर पढ़ाना शुरू करें ना, तो आप लोग कॉपी और किताब में आप लोग मिलाते रहिए कि क्या वही सवाल बताया जा रहा है एनसीईआरटी वाला या दूसरा बताया जा रहा है, ठीक है। आप लोग टिक मारते हुए आगे बढ़िएगा, ठीक है, क्योंकि आप लोग यहाँ से हो जाइए गंभीर, एग्जाम को केवल 2.5 महीने बचे, ठीक है। यहाँ से दिया है यदि ए बी और सी
यदि ए बी और सी त्रिभुज ए बी सी के अंतः कोण हो, त्रिभुज ए बी सी के अंतः कोण हो तो दिखाइए कि साइन बी प्लस सी बाई टू साइन बी प्लस सी बाई टू बराबर कॉस ए बाई टू। ठीक है, यदि ए बी सी त्रिभुज एबीसी के अंतः कोण हो तो दिखाइए कि साइन ए बी प्लस सी बाई टू बराबर कितना होगा कॉस ए बाई टू। यहाँ इस सवाल को समझने से पहले सबसे पहले आप लोग ये देख लीजिए, त्रिभुज के तीनों अंतः कोणों का योग क्या होगा, यानी कि ए प्लस बी प्लस सी बराबर क्या होता है 180 अंश। ठीक है, यहाँ पे हमारे पास क्या है बी प्लस सी, तो हम यहाँ से बी प्लस सी का कुछ निकाल लेते हैं संबंध, इसको मैं ऊपर लिख देता हूँ, हो सकता है वीडियो में ना आए। ठीक है, और ये चीज जब तक होगा नहीं तब तक सवाल आएगा नहीं। देखिए, सबसे पहले त्रिभुज ए बी सी के अंतः कोणों का योग, योग यानी ए प्लस बी प्लस सी बराबर क्या होता है 180 अंश। ठीक है, यहाँ पे अपने को दिया गया है बी प्लस सी, तो यहाँ से हम बी प्लस सी का क्या निकालेंगे, कुछ संबंध निकाल लेते हैं, तो केवल हम बी प्लस सी को छोड़ेंगे, इधर ए प्लस में है तो उधर क्या हो जाएगा माइनस में, यानी कि 180 माइनस कितना ए। अब हमको b प्लस सी जहां पे मिलेगा वहां पे क्या लिखेंगे 180 माइनस ए। ठीक है, त्रिभुज के अंतः कोणों का योगफल क्या होता है a प्लस बी प्लस सी बराबर a प्लस बी प्लस सी बराबर कितना हो गया 180। यहां पे b प्लस सी दिया तो हम b प्लस सी बराबर क्या निकाले हैं, ये a उधर क्या हो जाएगा माइनस में 180 माइनस ए। कितनी बात समझ में आई, अब हम आ जाते हैं हल करने के लिए। दिया क्या हमको साइन b प्लस सी बाई टू बराबर क्या लाना है हमको कॉस ए बाई टू, ये सिद्ध करना है। सबसे पहले हम यहाँ पे क्या करेंगे बी प्लस सी, बी प्लस सी बराबर क्या है 180 माइनस ए, यानी कि यहाँ पे क्या है साइन बी प्लस सी के स्थान पे हम क्या रखेंगे 180 माइनस ए बटे में क्या दिया है यहाँ पे दो। आई बात समझ, देखिए इतने में चेंज क्या हुआ, साइन है b प्लस सी हमने यहाँ से निकाल लिया। ठीक है, ये अलग से हमको जैसे इतना कह दिया हमको इतना करना पड़ेगा, तो b प्लस सी बराबर क्या हो जाएगा 180 माइनस ए। जहाँ पे b प्लस सी हमको मिला वहाँ पे हम क्या लिखेंगे 180 माइनस ए, ये तो ऊपर की बात होगी, लेकिन जो बटा है वो हमने बटा लगाया, नीचे में क्या हो जाएगा दो। अभी आगे क्या होगा देखिए, इसको हम क्या लिख सकते हैं साइन 180 बटा दो माइनस ए बटा दो। ठीक है, इतना कर सकते हैं। देखिए, अगर कोई भी चीज यहाँ पे लिखा है ए प्लस बी बटे कितना दो, इसका मतलब ये होता है ये ए के बटे भी दो है और बी के बटे दो, यानी कि इसको हम कैसे लिख सकते हैं ए बाई टू, प्लस लगा है तो प्लस लगाएंगे और क्या लिख सकते हैं बी बाई टू। ठीक है, सेम वैसे इधर हुआ है, बटे टू लगा था, इसके भी बटे दो और इसके भी बटे दो, ये चीज कैंसिल होगी कितना आएगा 90, यानी कि साइन 90 माइनस कितना ए बाई टू। साइन 90 माइनस ए बाई टू, साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है कॉस थीटा, यहाँ पे ए बाई टू दिया है तो कॉस के साथ क्या लग जाएगा ए बाई टू, यहाँ पे साइन 90 माइनस ए बाई टू फॉर्मूले के हिसाब से क्या हो जाएगा कॉस ए बाई टू, यही हमको लाना था ऊपर सिद्ध करके, हमको यही लाना था क्योंकि साइन 90 माइनस अगर यहाँ पे थीटा है तो थीटा आया है, यहाँ पे साइन 90 माइनस अगर a बाई टू है तो कॉस के साथ क्या आएगा a बाई टू। ठीक है,
स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका आप लोग। देखिए एनसीईआरटी का ये लास्ट सवाल है, और इसका 75 अंक को 0 और 45 के बीच की और 45 अंश के बीच की कोणों की अनुपात में व्यक्त कीजिए, यही दिया। देखिए क्या दिया है ना, साइन 67 अंश कॉस 75 अंश को 0 और 45 के कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपातों में व्यक्त कीजिए। ठीक है, हम लोग क्या कर सकते हैं, देखिए जी एकदम दिहाती में, ठीक है, 0 और 45 यानी कि 0 से लेके 45 तक आपका कोण होना चाहिए। अभी क्या है, एक जगह 67 है जो 45 से ज्यादा है, एक जगह 75 है जो वास्तव में 45 से बहुत ज्यादा है। ठीक है, तो इन सभी को हमको घटा के क्या लाना है, 0 से और 45 के बीच में। ठीक है, तो इसको हम जब हल करेंगे ना, ठीक है, यहाँ पे हम क्या करेंगे, साइन 67 अंश प्लस में क्या है कॉस 75, ये चीजें हो गई। अभी साइन 67 अंश जो दिया है तो उसको हम क्या लिख सकते हैं, साइन 67 अंश को क्या लिख सकते हैं, साइन 90 में से कितना घटाएं कि 67 आ जाए, 23। ठीक है, पहला हो गया प्लस कॉस 90 में से हम कितना घटाएं कि 75 आ जाए यानी कि 15। 90 माइनस कितना, 15 अंश, सही है ना। देखिए हुआ क्या है, हमको इन कोणों को घटा के कहां तक लाना है, 0 से 45 के बीच में, वो आएगा कहां से, इसी सूत्र से आएगा। ठीक है, यहां पे दिया क्या है, साइन 67 अंश प्लस कॉस 75 अंश, साइन 67 को हम क्या लिख सकते हैं, साइन 90 माइनस कितना, 23 अंश, 90 में से अगर 23 घटाएंगे कितना आएगा, 67। 90 ही क्यों ले रहे हैं, क्योंकि हमारे पास जो फार्मूला पता है वो 90 ही वाला पता है और दूसरा नहीं पता। ठीक है, साइन 67 अंश बराबर साइन 90 माइनस 23 अंश, कास 75 को हम क्या लिख सकते हैं, कास 90 माइनस 15, 90 में से 15 घटाएंगे कितना आएगा, 75। ये तो हो गया चेंज करने का मामला। अब आ जाते हैं फार्मूले पे, साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है, कास थीटा, यहाँ पे हो गया कितना, कास 23 अंश प्लस कास 90 माइनस थीटा क्या होता है, साइन थीटा, यही आपका होगा फाइनल उत्तर। क्योंकि आप लोग गौर कीजिए, 0 और 45 के बीच में 23 भी आ रहा है, 0 और 45 के बीच में 15 भी आ रहा है, यही ये पूछ रहा था। ठीक है, इससे पहले जो दिया था 67 45 से ज्यादा है, 75 भी क्या है, 45 से ज्यादा है, उसको हम घटा के कहाँ पे ले आए, इतने पे ले आए। ठीक है, इस सूत्र के द्वारा आप लोग इसको भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। शुरू में कुछ बात कर रहे थे, अगर दो आए तो एक चेंज करना है, तीन आए तो मैं बताऊंगा जब सवाल मिलेगा, वो सवाल अभी तक मिला नहीं, अभी मिल रहा है। ठीक है, ये आपके विद्या प्रकाशन की पहली मतलब पहला सवाल है। ठीक है, आवाज आ रही है बराबर ना सभी को, आज थोड़ा तबीयत डाउन है लेकिन फिर भी हम क्लास कर रहे हैं। ठीक है बच्चों,
यहाँ पे इसको मैं मिटा देता हूँ। देखिए टैन 10 अंश प्लस में नहीं इनटू टैन 45 अंश इनटू टैन 80 अंश बराबर क्वेश्चन मार्क। ठीक है टैन 10 अंश इनटू टैन 45 अंश इनटू टैन 80 अंश। ठीक है ये सवाल है हमारे पास, इसको आप अपना हल करते हैं। देखिए यहाँ पे कितना आ गया, 3 आ गया। अब 3 में क्या चेंज करेंगे, देखिए जब 3 या 5 दिया होगा ठीक है तो उसमें से आपको एक ना एक ऐसा जरूर देगा जिसकी वैल्यू आपको पता होगी। इसके पहले वाले चैप्टर में टैन 45 अंश का मान जो चार्ट बना था उसमें कितना था, एक था। तो हम टैन 45 अंश को क्या लिख सकते हैं, केवल एक लिखेंगे और इसमें क्या रखेंगे, केवल एक चेंज करेंगे। ठीक है जैसे सवाल क्या है, टैन 10 अंश टैन 45 अंश और टैन 80 अंश। ठीक है तो 45 का तो हमको पता है एक होता है 20 वाले का, अब इसमें और इसमें बचा कितना, दो, दोनों में से कोई एक चेंज कर दो। मैं कोशिश करूंगा पहला वाला। ठीक है तो इसको क्या होगा, टैन 90 माइनस कितना इसको लिख सकते हैं 80, 90 में से अगर 80 घटाएंगे कितना आएगा 10, और टैन 45 अंश की वैल्यू कितना होती है 1 इंटू टैन 80। इसको नहीं बदलेंगे क्योंकि शर्त क्या हमारे पास, अगर 2 दिया है तो 1 बदलना है, 3 दिया है तो 3 में एक ऐसा मान जरूर देगा जिसका हमको पता। जैसे यहाँ पे टैन 45 दिया उसकी वैल्यू क्या होती है 1, इसके पहले वाले चैप्टर में हम लोग पढ़ चुके हैं। तो टैन 90 माइनस थीटा क्या होता है, काट थीटा, यानी कि काट यहाँ पे क्या हो गया 80 अंश इंटू 1 का मतलब वही होता है और इंटू क्या है टैन 80 अंश। अब देखिए अभी हमने थोड़ी देर पहले लिखा था कॉट थीटा बराबर क्या होता है 1 अपान टैन थीटा, और टैन थीटा बराबर क्या होता है 1 अपान कॉट थीटा। ठीक है तो यहाँ पे कॉट 80 लिखा है, यहाँ पे कॉट थीटा था तो 1 अपान टैन थीटा हो गया, यहाँ पे कॉट 80 लिखा है तो हम इसको क्या लिख सकते हैं 1 अपान टैन 80। ठीक है इंटू कितना है टैन 80, अब ये चीज इससे कैंसिल हो जाएगा, आएगा कितना 1, यही हमको लाना है, यही शायद उत्तर भी आया है, हाँ यही आया है। ठीक है आप लोग चाहे स्क्रीनशॉट ले लीजिए, वैसे इतना कठिन नहीं था ये। ठीक है इसके बाद जो दूसरा सवाल है बाकी आप लोग कोशिश करेंगे तो लगा सकते हैं। ठीक है इसमें जो विद्या में हाँ विद्या प्रकाशन में जो दिया है ना, पहला तो हम लगा दिए, दूसरा साइन 10 अंश माइनस कॉस 80 अंश, इसमें से केवल आपको एक बदलना है। ठीक है तीसरा सवाल जो दिया है हाँ ये हम लोग देख लेते हैं। ठीक है साइन 49 अंश बटे का 47 माइनस का 17 अंश साइन 73, ये हमको दिया, इसी का मान निकालना है। ठीक है 73 सही। ठीक है क्या करेंगे हम लोग, सबसे पहले इस सवाल को यहाँ पे लिखते हैं। ठीक है साइन 49 अंश बटे कॉस 41 अंश माइनस में कॉस 17 अंश बटे में साइन 73। ठीक है देखिए यहाँ पे माइनस लग गया, ठीक है इसका एक पार्ट ये हो गया एक पार्ट ये हो गया, इन दोनों में से आप कोई एक चेंज कर दो या तो इन दोनों में से आप कोई एक चेंज कर दो। ठीक है चाहे ऊपर वाला चाहे नीचे वाला, हम कोशिश करेंगे यहाँ से ऊपर वाला चेंज करेंगे तो
तो ऊपर को हम क्या लिख सकते हैं, साइन 90 माइनस कितना 41 अंश, नीचे को हम वैसे ही रहने देते हैं cos 41 अंश माइनस। यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, ऊपर वाले को चेंज करते हैं, cos 90 माइनस कितना 73 अंश बटे में क्या हो जाएगा साइन 73। ठीक है, अभी साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है cos थीटा, तो यहाँ भी क्या हो जाएगा cos 41 अंश बटे में क्या हो गया cos 41 अंश माइनस, cos 90 माइनस थीटा क्या होता है साइन 73 अंश और साइन 73 अंश, ये चीज इससे कैंसिल हो गया, ऊपर नीचे ये भी कैंसिल हो गया, इधर आया हुआ और इधर आया हुआ, तो क्या आ जाएगा 0। ठीक है, आई बात समझ में, यहाँ पे क्या हो माइनस लगा एक पार्ट ये हो गया एक पार्ट, इन दोनों में से कोई आप एक चेंज कर लो, इन दोनों में से आप कोई एक चेंज कर लो, या तो ऊपर वाला या फिर नीचे, हमने ऊपर वाला चेंज किया दोनों, ठीक है, नीचे वाले को वैसे रहने दिया। इसके बाद जो भी सवाल है ना इसको हम बता चुके हैं, ठीक है, ये आपके एनसीईआरटी किताब में मिला था, अभी ये दो सवाल थे जो थोड़ा डिफरेंट थे उसको हमने बता दिया, ठीक है, और बाकी का आप लोग लगा लेना, ठीक है। जब मान लीजिए यहाँ पे माइनस लगेगा तो ये दो पार्ट हो जाएगा, तो आप इन दो में से कोई एक बदलना, आपने ऊपर का बदला तो नीचे का वैसे रहने देना, इस पार्ट में आपने अगर ऊपर का बदला तो नीचे वाला वैसे रहने देना, इधर दो में केवल एक बदलना है, इधर दो में केवल एक बदलना है, जब बदलोगे तो ऊपर ये वाली चीज इससे कैंसिल ऊपर नीचे हो जाएगी और इधर ये ऊपर नीचे कैंसिल हो जाएगा, 1-1 क्या आएगा 0। ठीक है, हाँ, बाकी का सवाल हो चुका है, दोबारा दोहराने से कोई फायदा है नहीं, ठीक है, आई बात समझ में। देखिए आप लोग हाँ ये जरूर है कि दो दिन क्लास जो है वो नागा हुआ है, लेकिन अब संभवतः जो है क्लास लगातार चलेगी, आप सभी लोगों को बता दीजिए कि 8:30 जरूर आ जाया करें, ठीक है, कभी कभी मान लीजिए थोड़ा कैमरा वैमरा सेट करने में हो सकता है कुछ 10-5 मिनट ऊपर हो जाए, 8:30 से भी ज़्यादा हो सकता है, ठीक है, लेकिन ये है कि 8:30 सब लोग सब कुछ छोड़ छाड़ के अपने मोबाइल और कापी और पेन, ये तीन चीज़ें किताब, ये चार चीज़ें जो भी है आप लोग लेके बैठ जाए कीजिए, ठीक है, आप लोगों का जो एग्ज़ाम का समय है केवल 2.5 महीने ही बचे हैं, ठीक है, इसलिए आप लोग तैयारी करते रहिए, ठीक है, अब मिलेंगे कल की क्लास में, जय हिंद बच्चों।